गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मायसेल्फ जसप्रीत सिंह, लुधियाना सिटी से बिलोंग करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू गेट बेटर स्लीप, राइट? बहुत सारे लोगों नींद के रिलेटेड समस्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे किस एज ग्रुप को कितनी नींद चाहिए, राइट? सो सबसे पहले अगर बात करें, 3 मंथ के बच्चों के लिए 14 से लेकर 17 घंटे की नींद मस्ट होती है। देन उसके 4 से लेकर 11 के लिए 12 से लेकर 15 घंटे की नींद है जो मस्ट होती है, राइट? देन उसके बाद 1 से लेकर 2 साल के जो बच्चे हैं उनको 11 से लेकर 14 घंटे की नींद चाहिए। देन उसके बाद 3 से लेकर 5 साल के बच्चे हैं उनको 10 से लेकर 13 घंटे की नींद प्रॉपर तरीके से चाहिए, राइट? देन उसके बाद अगर बात करें 6 से लेकर 13 साल के बच्चों के लिए 9 से लेकर 11 घंटे की नींद ये चाहिए बच्चों के लिए, राइट? देन उसके बाद 14 से 17 साल के जो बच्चे होते हैं तो उनको 8 से लेकर 10 घंटे की नींद प्रॉपर तरीके से चाहिए। और 18 से लेकर 25 साल के जो बच्चे हैं उनको 7 से लेकर 9 घंटे की नींद प्रॉपर तरीके से चाहिए, राइट? इस चीज़ का अपन ध्यान रखना है। 26 से लेकर 24 साल के जो होते हैं लोग उनको 7 से लेकर 9 घंटे की नींद प्रॉपर चाहिए होती है। और 65 ईयर के हैं या अबव हैं तो उनको 7 से लेकर 8 घंटे की नींद प्रॉपर चाहिए होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि हमारे तो सपने बड़े हैं इसलिए हमें ज़्यादा सोना पड़ता है। दिस इज लाइक ए जोक और कुछ भी नहीं है, इसको सीरियस नहीं लेना है, राइट? देन उसके बाद अगर हमें नींद प्रॉपर नहीं आती है तो हमें इंसोमेनिया की प्रॉब्लम आने के चांसेस रहते हैं। इसलिए आपने अपने लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस लेके आने हैं। अपने जो दिन के शेड्यूल को है वो अपने रीडिज़ाइन करना है, राइट? और जितने भी आपको वरीज है, रात को सोने से पहले एक पेपर पे आपने उन वरीज को नोट डाउन करना है और बोलना है अपने माइंड को, ये जितनी मेरी दिन की चिंताएं थी मैंने उनको साइड पे रख दिया, थ्रो आउट कर दिया है, तो आपको नींद बड़े अच्छे तरीके से आनी शुरू हो जाएगी। एक दिन में ये नहीं होगा, राइट? इसको जब आप कंटिन्यूसली करते जाएंगे तो आपको इसका रिजल्ट बड़े ज़बरदस्त तरीके से मिलने वाला है, राइट? देन उसके बाद आपको 30 मिनट एक्सरसाइज डेली बेसिस पे आपको बहुत ही ज़रूरी करनी होगी। अगर आपको नींद की दिक्कत है, नहीं भी है तो भी ये मस्ट है, राइट? देन उसके बाद नैप्स में आपने नहीं सोना है। बहुत सारे लोग दिन में जबकि लेते हैं, सो जाते हैं थोड़ा थोड़ा समय निकाल के, तो उसको आपने बिल्कुल भी नहीं करना। इससे भी आपकी जो नींद है वो डिस्टर्ब होती है, राइट? देन उसके बाद आपको बेटर स्लीप के लिए शाम को अपने अल्कोहल को, राइट? ये अल्कोहल वाले बोलेंगे भाई हमें तो मना कर रहे हो, तो पीते रात को है ना, पार्टी का टाइम होता है, हाँ, लेकिन लिमिटेड पीना है अगर आप पीते हो तो, राइट? देन उसके बाद सिगरेट उसको आपने अवॉइड करने की कोशिश करनी है। जो कैफीन है आपने इनटेक उसका कम करना है रात के समय में खास करके, राइट? अगर आप सोने से कुछ घंटे पहले कैफीन इनटेक करोगे, चाय पियोगे, कॉफ़ी पियोगे या और कोई ड्रिंक ऐसी होती है, तो आपकी नींद तब भी ये डिस्टर्ब होने के चांसेस रहते हैं, राइट? देन उसके बाद कुछ स्ट्रेस रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं, जैसे आप हल्का जो लाइट है म्यूजिक उसको सुन सकते हो, राइट? हेडफोन लगा के, ज़्यादा देर लंबे समय तक नहीं सुनना है, राइट? उसके बाद आप सोने से पहले मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, उससे भी आपकी बेटर स्लीप होएगी। देन उसके बाद आप एक्सरसाइज मैंने बताया वो कर सकते हो, राइट? देन उसके बाद बेड पे सिर्फ सोने के लिए जाना है, राइट? अगर आप बेड पे बैठोगे, खाओगे, पियोगे, सारा दिन बेड पे बैठे रहोगे तो भी आपकी नींद डिस्टर्ब होएगी, आपको नींद नहीं आएगी, राइट? समटाइम क्या होता है, हमारे पास पिल्लो ऐसे होते हैं जिसमें साउंड बहुत ज़्यादा होता है, जब हम लेटते हैं तो कानों में वो आवाज़ आती है, तो इसलिए आपने पिल्लो का भी खास ध्यान रखना है। हम तो अवॉइड कराएंगे पिल्लो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सर्वाइकल की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, तो उनको भी अवॉइड कराते हैं, तो क्यों ना उससे पहले ही हम इसको पिल्लो को लेना कम कर दें, राइट? देन उसके बाद अवॉइड करना होगा आपको सोने से पहले खाने की आदत को, बेड पे बैठ के कभी भी टीवी को नहीं देखना है। इवन देन हम कहते हैं कि आपका जो बेडरूम में टीवी होना ही नहीं चाहिए, बेडरूम सिर्फ सोने के लिए चाहिए, जिसका नाम ही बेडरूम है, है ना? तो इसलिए आपने ये भी आपने ध्यान रखना है। और बेड टाइम की अपनी रूटीन सेट करनी है, राइट? अपने मोबाइल को सोने से कम आधा घंटा घंटा पहले आपने बिल्कुल भी नहीं देखना है। कोई भी स्क्रीन आपने आधा घंटा घंटा पहले बिल्कुल भी नहीं देखनी है, क्योंकि इसकी जो ब्लू लाइट होती है वो इफेक्ट करती है और आपकी नींद भी डिस्टर्ब होती है। और देन उसके बाद आप लाइट को डिम कर सकते हो अपने, बहुत ज़्यादा हाई लाइट में आपने नहीं सोना है, राइट? उससे भी आपकी नींद डिस्टर्ब होएगी। देन उसके बाद अपने अलार्म को सेट कीजिए,
ऐसा नहीं है कि आप उठते हो रेगुलर रूटीन में 7 बजे या 6 बजे, आप अलार्म लगा रहे हो 4 बजे का, तो आप कभी नहीं उठ पाओगे। अगर आप मान लीजिए 7 बजे उठते हो, तो सबसे पहले आप 6:45 का अलार्म लगाइए, उस रूटीन को आप स्टेबल करिए, देन उसके बाद 6:45 के बाद 6:30 का फिर उस रूटीन को स्टेबल करिए, देन उसके बाद अपना टाइम है उठने का, जो वेकअप टाइम है उसको आप सही करिए, राइट। एकदम से कुछ भी नहीं होने वाला, राइट। देन उसके बाद आप गर्म बाथ भी ले सकते हो, गर्म पानी के साथ वार्म बाथ ले सकते हो, देन उसके बाद फ्रेश एयर ले सकते हो, या रात को सोने से पहले बुक रीड की हैबिट आप डाल सकते हो, थोड़ा सा चाहे 2 पेज पढ़ें या 3 पेज पढ़ें आप, तो जरूर पढ़िए। अगर आप किसी रिलीजियस एक्टिविटी में हैं या कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हो, धार्मिक बुक पढ़ते हो, नॉवल पढ़ते हो, तो भी आप पढ़ सकते हो सोने से पहले, स्क्रीन को नहीं देखना है, राइट। देन उसके बाद बेड, मैंने पहले बार बार फिर बोल रहा हूँ, बेड आपको सिर्फ सोने के लिए यूज़ करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। सो देन तभी तो कहते हैं बेटर स्लीप क्वालिटी इज इक्वल टू बेटर परफॉर्मेंस। अगर आपकी नींद अच्छी होगी तो आपका जो नेक्स्ट डे है वो आप एक्टिव फील करोगे, आपके जो दिन की सारी दिनचर्या वो अच्छे तरीके से आप कर पाओगे, है ना, तो आप हमेशा एक्टिव रहोगे। सो हमारी बेस्ट विशेज है, होप सो आपको आज की जो इन्फॉर्मेशन है अच्छी लगी होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।